राहुल बिन अमेठी सुन। जी हां, ये कहना है अमेठी के कांग्रेसी स्थानीय नेताओं का, जहां राहुल गांधी एक बार फिर स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ें, इसकी मांग कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की ओर से की जा रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी के मुकाबले पर पब्लिक का मूड 50-50 के मूड में है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी यहां से दोबारा जीत रही है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाखुश हैं। उनका दावा है कि संजय गांधी के बाद किसी ने भी अमेठी के लिए काम नहीं किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की एक बार फिर चुनौती दी है। अमेठी से दो बार स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आपस में मुकाबला कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेठी एक बार फिर से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच मुकाबले के लिए तैयार है। स्मृति ईरानी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को 55,000 वोटों से शिकस्त दी थी। राहुल गांधी तीन बार यहां से सांसद रहे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एक बार फिर चुनौती दी है कि वो अकेले अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। वहीं कांग्रेस ने राहुल को दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ाने की संभावनाओं पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इन सब के बीच स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वो लगातार अमेठी के मंदिरों का दौरा कर रही है। नवरात्र का प्रारंभ है, ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन वो अमेठी के एक मंदिर में भी गई थी। आपको बता दें कि साल 2019 तक अमेठी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। तीन बार यहाँ से सांसद रहे राहुल गांधी 2019 में स्मृति ईरानी से हार गए। इससे पहले 2014 में उन्होंने स्मृति ईरानी को 1,00,000 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि अब यहां हालात बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादातर केबिनों में ताला लटका हुआ है। अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी दफ्तर के जिस गेस्ट हाउस में ठहरते थे वो भी वीराना नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेठी के स्थानीय कांग्रेसी नेता यहां से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में राहुल बिन अमेठी सून वाला पोस्टर भी जगह जगह दिखाई दे रहा है। इससे यह साबित होता है कि स्थानीय कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से यहां से चुनाव लड़े। वहीं अब अगर एक बड़े चैनल का पब्लिक मूड की बात करें तो अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी के मुकाबले पर 50-50% का मोड दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में कहा गया है कि कई लोग दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी यहां से दोबारा जीत रही है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी यहां से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज चल रहे हैं। उनका दावा है कि संजय गांधी ही कांग्रेस के एकमात्र ऐसे सांसद बन के आए जिन्होंने अमेठी के लिए काम किया। उसके अलावा किसी भी सांसद ने यहां के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं सेंट्रल यूपी में पड़ने वाला अमेठी भारतीय राजनीति की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। 1980 से नेहरू गांधी परिवार के 4 सदस्य यहां से सांसद रहे, जिनमें संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल हैं। राहुल गांधी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भी यहीं से जीता था। 2004 में उन्होंने अमेठी में अपने करियर की शुरुआत की थी और राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही करीब 3,00,000 वोटों के अंतर से यहां पर बड़ी जीत दर्ज की थी। 2009 में भी राहुल गांधी ने यहां बड़े अंतर से चुनाव जीता था। 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,00,000 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन 2019 में राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच मुकाबला हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल गांधी के अलावा अगर किसी और को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये लड़ाई कांग्रेस बनाम स्मृति ईरानी की हो जाएगी। इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे
ये बताता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को यहां स्पष्ट रूप से फायदा होगा। वहीं एक बड़े चैनल में एक कांग्रेसी नेता ने कहा है कि आंतरिक सर्वे में कांग्रेस की जीत की 80% संभावना है, क्योंकि अमेठी के लोग मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के काम से नाखुश हैं। 2019 की तरह राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग हो रही है और माना जा रहा है कि वायनाड में वोटिंग के बाद कांग्रेस अमेठी का पत्ता खोल सकती है। कांग्रेसी हलकों में राजनीतिक चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रचलित धारणा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि राहुल गांधी को नतीजों की चिंता किए बगैर अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपको बता दें कि अमेठी में एक बार फिर से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के मुकाबले की जो है चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चुनावों से जुड़े हुए ऐसे तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।